RS360 के मंच पे आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, दिल्ली से जयपुर पहुंचने में आज ही मैं जयपुर अभी थोड़ी देर आधे घंटे पहले पहुंचा, और पहुंचते ही मैं निवास स्थान पे ना जाके सीधा DLB के दफ्तर आया हूँ, स्वायत्त शासन विभाग के ऑफिस आया हूँ, और यहाँ पर आके विस्तृत तौर पे मेरी बात हो गई है आपके तमाम मुद्दों पे जो सवाल आप पूछ रहे थे। तो 4-5 मुद्दों पे मैंने बात करी है। पहला मुद्दा था कि एग्ज़ाम की डेट को लेके जवाब मुझे मिला। दूसरा मुद्दा सीट बढ़ने को लेके जवाब मुझे मिला। तीसरा मुद्दा AIRI जो है उसकी पोस्ट सम्मिलित होगी या नहीं होगी, उसका जवाब मुझे मिला। और चौथा और कुछ इसमें 2 साल के जो कोरोना के कारण एज आयु सीमा संबंधी नियम है उसका जवाब मुझे मिल गया है। क्योंकि यहाँ बहुत शोर है आप समझ रहे होंगे, तो बाकी का वीडियो मैं आपको एक शांत प्लेस में आके शूट करूँगा। तो मुझे पूरी जानकारी मिल गई है, फिर यहाँ पे अधिकारियों से विस्तृत तौर पे चर्चा हो गई है, और बाकी की बात करेंगे एक शांत जगह पे जहाँ के मुझे आप अच्छे से सुन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चूंकि वहां पे शोर शराबा था और अंधेरे की वजह से भी मैंने डिसाइड किया था कि जो रिमेनिंग सूचना है वो शोर शराबा ना रहे, एकदम सटीक जानकारी आपको दूं। तो वहां पे विस्तृत तौर पे आज मेरी तकरीबन आधा पौन घंटा बात हुई अधिकारी से, और अधिकारियों ने बहुत अच्छे से सारी जानकारी साझा की। तो साथियों 4 सवाल जो कि आप लोग लगातार पूछ रहे थे, और ये मेरे मन में भी था कि इन सवालों का जवाब लिया जाए। तो पहला सवाल था कि सीट है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है और क्या वो फाइल RPSC को भिजवा दे रही है। तो साथियों 27 पर 27 पोस्ट EO की जो फाइल थी वो DLB से RPSC भिजवा दी गई है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है, 101% सुनिश्चित मान के चलिए इसी भर्ती में वो 27 पद EO के शामिल होंगे। पहली तो ये बात। दूसरी एक खुशखबरी मैं जो आपको देना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए हो सकती है, हालांकि इस बात पे अभी कंफर्म नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं कंफर्म नहीं है, प्रोसेस चल रहा है। दूसरी बात वो ये है, RO के 38 पद 38 पोस्ट, राजस्व अधिकारी RO के 38 पद इस फाइल के लिए भी पत्र व्यवहार चल रहा है DLB का वित्त विभाग से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। हालांकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी अभी नहीं मिली है, लेकिन फाइल इनिशिएट हो चुकी है। अब ये कहना 100% अभी इस समय उचित नहीं होगा, क्या वो 38 पद इसी में शामिल होंगे, लेकिन एक संभावना बन रही है। तो आप लोगों के लिए जो अमृत की बूंद का मैंने बोला था, अमृत की बूंद टपक रही है, उसमें 38 पदों के आरो में भी इजाफा हो सकता है। 27 पद ये हो गए तो 101% बढ़ेंगे, फाइल पहुंच गई है RPSC के पास DLB से। दूसरा सवाल था आपका जो एक काफी डाउट था कि एग्जाम की डेट को लेकर, हालांकि मैंने पहले इसकी पुष्टि कर दी थी, मैं दोबारा बोलूंगा आपसे एग्जाम की डेट को लेके, हालांकि DLB के आला अधिकारी डायरेक्टर और कुछ उच्च स्तर के अधिकारियों की बात हुई थी RPSC में टेलीफोनिक फोन के माध्यम से एग्जाम की डेट को थोड़ा पहले करवाने के बाबत, लेकिन RPSC ने उसमें कोई जवाब नहीं दिया। RPSC का भी यही कहना है, इस समय RPSC का यही कहना है कि उनका एग्जाम शेड्यूल बहुत टाइट है और भर्तियों का अनाउंसमेंट हो चुका है, उसके मद्देनजर थोड़ा मुश्किल है। अभी कोई भी लिखित में रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं हुआ है DLB का RPSC से इस एग्जाम की डेट को थोड़ा पहले करने के लिए। हालांकि बात हुई है टेलीफोनिकली, लेकिन RPSC ने कोई संतुष्ट पूर्वक वहां पर जवाब नहीं दिया है। RPSC ने यही बोला कि ऑलरेडी एग्जाम की डेट को पुराने जो पूर्व समय में जो घोषित की गई तारीख उनको देख के इन्होंने डेट का कैलेंडर इशू किया है, UPSC और SSC के एग्जाम की डेट्स को भी मद्देनजर रखा है। साथ में RPSC की जो और परीक्षाएं थी उसको भी उन्होंने यहां पे एकदम फोकस किया है। तो डेट को लेके अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, हालांकि कल मैं RPSC जा रहा हूँ अजमेर, तो RPSC कल मैं जाऊंगा तो RAS के बारे में और इस EO के डेट के बारे में कुछ इनपुट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर कल कर दूंगा। तीसरा सवाल जो था आपका RI AI रेवेन्यू इंस्पेक्टर, क्या उसकी पोस्ट का इस भर्ती में है या अलग है, क्या है उसका? तो साथियों क्लियर कट जवाब दिया गया, अभी तक कुछ भी रिटर्न में पत्र व्यवहार नहीं हुआ है
स्वीकृति वित्त विभाग से लेनी पड़ती है हर पोस्ट की। अभी तक डीएलबी द्वारा इसके लिए कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया, बात हुई है डिपार्टमेंट वैकेंसी खाली है आरआई और एआरआई के लिए, लेकिन अभी तक कोई सम्मान लिखित तौर पे नहीं हुआ है वित्त विभाग से। जब तक वित्त विभाग की मंजूरी नहीं होगी ये सीट ऐड नहीं होगी। और आरपीएससी की इस भर्ती में शामिल वैसे भी होने वाली हो वो आपकी होगी तो आरएसएमएमबी द्वारा निकाली जाएगी, पर अभी तक उसका कुछ भी नहीं है तो इसलिए आप उसको तो अभी हाल फिलहाल ना मान के चलें, आने वाले दिनों हो सकता है उसका कुछ हो। और चौथा सवाल ये था फॉर्म रीओपन, तो फॉर्म रीओपन के लिए जवाब मिला है मंत्री स्तर से डीओपीटी लेवल पे। आप जानते हैं कोरोना की वजह से दो साल भर्तियों के लिए कोरोना की वजह से अटेम्प्ट देने की जो बात गहलोत साहब ने की थी उसको अमली जामा पहना दिया गया है। लेकिन आपने कुछ दिनों पहले अखबारों पढ़ा भी होगा और हाई कोर्ट में भी ये मैटर पहुंचा था कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसमें वो दो साल का जो है मैटर उसका क्या हुआ। कुछ दिनों पहले अखबार में खबर आई थी कि प्रक्रियाधीन भर्तियों के अंदर ये दो साल का जो एज लिमिट का मैटर है इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो डीएलबी के जो कार्य जो हमारे अधिकारी हैं डीएलबी के जो कर्मचारी उनका स्पष्ट कहना है कि उन्होंने अपने स्तर पे ये प्रयास कर रहे हैं कि दो साल जो आपके कोरोना की वजह से जो नुकसान हुआ छात्रों का वो एज लिमिट को यहां बढ़ाया जाए। उसके लिए लीगल डिपार्टमेंट को अभी डिसीजन लेना है। जो डीएलबी का लीगल डिपार्टमेंट है वो हाई कोर्ट के पूर्व में जो भी कोर्ट के आदेश है उसको ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेगा। आरपीसी की तरफ से कोई मना नहीं है इसमें। तो उनका कहना है अगर ये जो कानूनी दावपेच है दो साल का ये क्लियर कट होता है साफ पता चलता है तो हो सकता है आगामी दिनों में आपके ये जो भर्ती है इसके फॉर्म भी रीओपन हो जाए, फॉर्म रीओपन हो सकते हैं। पर क्यों रीओपन होंगे, क्योंकि दो साल कोरोना की वजह से जो आपके जो डिसीजन लिया गया और उसको एक्सटेंड करने की बात की, देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन इसमें एक संभावना बन रही है, तो जिन छात्रों से किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाया या जानकारी को देर से मिली एक मौका दोबारा मिल सकता है फॉर्म रीओपनिंग का। अब आपको समझदार होगा यदि फॉर्म रीओपन होते हैं तो एग्जाम कैसे हो पाएगा जनवरी फरवरी में। डीएलबी चाहता है एग्जाम जल्दी करना, इसमें कोई संदेह नहीं है। डायरेक्टर से मैं बात भी हुई थी टेलीफोनिकली आरपीएससी के अधिकारियों से, लेकिन आरपीएससी अधिकारियों का वहां पर दो टूक जवाब था कि भर्तियों में जो पहले से डेट्स एग्जाम के डिक्लेयर है उनको वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। साथ में जो आरपीएससी कैलेंडर जारी करता है उसमें यूपीएससी एसएससी के एग्जाम्स की डेट को भी देखता है, कहीं कहीं वो आपस में टकरा तो रहे हैं। तो शेड्यूल का जो आप इतना सोचते हो आसानी से ऐसा नहीं होता। हालांकि अगर कुछ इसमें अपडेट मिलेगा भविष्य में तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, कल आरपीएससी में जा ही रहा हूं वहां भी इसके बारे में एक बार पुष्टि में आपको करके दूंगा। तो साथियों ये है चार बातें। एक अच्छी खबर ये कि 38 पद ईओ के उसका भी इनिशिएशन डीएलबी से किया गया है, फिनेंस डिपार्टमेंट के पास फाइल गई है, यदि वहां से अप्रूवल होता है तो आपको इस भर्ती में एक और सुनहरा अवसर और मिलेगा। 27 पद ईओ के ऑलरेडी जा चुके हैं आरपीएससी के पास, तो वो तो जुड़ने 101% तय। तो साथियों तैयारी अच्छे से करते रहिए ईमानदारी से प्रयास, क्योंकि ये भर्ती बहुत समय बाद आई है, एक अच्छी वैकेंसी। और जैसा कि अधिकारियों ने बताया इसके प्रमोशनल की भी अच्छे एस्पेक्ट है। आपने अभी सुना होगा कुछ दिनों पहले कि आरएमएस और आरएस अधिकारियों के बीच में सीटों को लेके विवाद चल रहा है। जोधपुर में जो उपायुक्त है, जोधपुर में उपायुक्त का पद है उस पे आरएमएस अधिकारी को अभी हाल ही दिनों में नियुक्ति दी गई है। तो डेफिनेट सी बात है कि जब आरएमएस अधिकारी आरएस की सेवा में जो आरएस का कैडर्स में जा रहा है तो आप पोस्ट के लेवल को समझ सकते हैं इसकी गंभीरता से नहीं। खैर कल आरपीएससी जाकर आरएस के बारे में और दूसरा इसके बारे में और जानकारी एग्जाम की डेट की कुछ है तो कल मैं साझा करूंगा आरपीएससी जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा ऐप RS360 है EORO के लिए उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और तमाम जानकारियां वहां पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर का अपडेट प्लस स्टडी मटेरियल वहां पे मैं अपलोड करता हूँ। थैंक यू बहुत बहुत।